एक समय की बात है, एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। और बोला कि गुरुजी ये बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है। तो गुरुजी कुछ समय के लिए शांत रहे, कुछ देर के बाद बोले कि हे शिष्य, यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो मुझसे कल प्रातःकाल मिलो। शिष्य उनकी आज्ञा सुन करके वापस चला गया और अगले ही दिन प्रातःकाल गुरुजी के चरणों में आ गया। रात भर बेचारा सोया भी नहीं था, क्योंकि उसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था। गुरुजी उसको एक नदी की ओर ले गए और गुरुजी ने शिष्य का हाथ पकड़ा और नदी की गहरी धारा की ओर उसको लिए जा रहे थे। जब गहरी धारा में पहुंचे तो गुरुजी ने अपने शिष्य का सर पकड़ करके पानी के अंदर उसकी खोपड़ी कर दी। शिष्य तिलमिलाने लगा, फड़फड़ाने लगा। जब वो काफ़ी देर हो गया फड़फड़ाते फड़फड़ाते, जब गुरुजी ने सर उसका बाहर किया, पानी से बाहर किया, तो सबसे पहले उसने हाँफते हाँफते गहरी सांस ली। और गुरुजी बोले कि मेरे प्यारे शिष्य, ये बताओ कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम क्या चाहते थे, तुम्हें कौन सी चीज चाहते थे पानी के अंदर जब थे। तो शिष्य बोला, गुरुजी मैं सांस लेना चाहता था। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है। तुमने जो कल मुझसे प्रश्न किया था कि सफलता का रहस्य क्या होता है, उसका उत्तर आज तुमने स्वयं ही दे दिया। जिस प्रकार से तुम पानी के अंदर रह करके सबसे पहली तुम्हारी डिमांड थी कि मुझे सांस मिल जाए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल जाए, जिस दिन तुम सांस लेने के लिए तड़पने लगोगे, जिस दिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए तड़पने लगोगे, उस दिन आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। यही आपकी सफलता का रहस्य है कि आप अपने अंदर तड़प पैदा करिए, जिज्ञासा पैदा करिए, दृढ़ इच्छा पैदा करिए अपने अंदर कि मुझे हर हाल में एक ही चीज़ चाहिए, अपना लक्ष्य। जिस प्रकार से पानी के अंदर रहने पर व्यक्ति को एक ही चीज़ की आवश्यकता है, सब कुछ भूल जाएगा, वो केवल एक ही चीज़, उसको सांस चाहिए कि मुझे सांस लेने के लिए मिल जाए, वरना मेरा तो जीवन। उसी प्रकार से यदि तुम अपने लक्ष्य को मन से चाहते हो तो निश्चित रूप से वो आपको सफलता प्राप्त होगी।